नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीता मिश्रा। आप देख रहे हैं फ्रेंच टाइम न्यूज। देवी पाटन मंडल ब्यूरो चीफ रिपोर्ट विशाल मिश्रा। खबर है यूपी के गोंडा जिले से। जबरन जमीन हड़पने को लेकर दबंगों ने पीड़ित पर किया पथराव। बेखौफ दबंगों ने पीड़ित की झोपड़ी को भी किया आग के हवाले। दबंगों ने घर पर चढ़कर पीड़ित युवक व पत्नी को जमकर मारा। पथराव की घटना मोबाइल कैमरे में हुई कैद। काफी समय से दबंग पीड़ित को गाली गलौज व डरा धमका कर रहे हैं परेशान। पीड़ित पप्पू की तहरीर पर भी थाना पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही। पुलिस की लापरवाही से हुआ ये मामूली विवाद, बदला खूनी संघर्ष में। थाना पुलिस की भूमिका संदिग्ध। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के नगवा कला के बाबा पुरवा का मामला। अच्छा, घर किसने जलाया है? घर विलास, राम किशोर, राम सबद, राम बचन, गब्बू, सोनू और शंकर। और किससे मारे हैं उसको? हसिया से। हसिया से मारे हैं? और रामपुरी चक्कू। ये क्या कर रहे थे लोग? छपरा गिरावे आए रहे और वही सब का खाना खा बैठे रहे, सब्जी कभी। अच्छा, तेज में बोलो। हमारे पति का भी मारे हैं और जी के झगड़ा हुआ का हसीयत मारी हुई एठी ने पहना। आप देखेगा कौन लोग थे जी? राम विलास और राम किशोर। राम किशोर और पता नहीं हम नाम नहीं जानते। मगर पाँच छः दिन तो निहार हुआ के हसीयत मारी थी। घर किसने जलाया जी? अपने जलाए नहीं, अपने जलाए नहीं, वहाँ घर इन्हों घर जलाए नहीं। वो अपना भी जला दिए हैं दिखाने के लिए और ये इसका तो जला ही दिए। क्या नाम है इसका जिसका घर जला है? पप्पू। पप्पू नाम है। अच्छा अच्छा, लोगों ने जलाया। और जलाया किसने है? राम विलास। राम विलास के बहन। अच्छा अच्छा अच्छा, पप्पू हमारा नाम है। पप्पू बाबा पुरवा के निवासी हैं। हमारा उनका राम विलास का कुछ राम किशोर का जमीनी विवाद था। उनके भाई राम विलास और वो सारे लोग हमारे घर पे चढ़े, हमारे घर पे आग लगा दी और हमको गिरा के मारे। हंसिया से मारे या लाठी से मारे, जब गिरा लिए तो हम ये नहीं देखे किस चीज़ से मार दिए। मार दिए, हमारा सिर फट गया था हमें।